हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद सुषमा। आज हम बनाएंगे विनेगर ऑनियन, जो हम रेस्टोरेंट्स में अक्सर खाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। हम एक किसी बर्तन में इसको उबाल लेंगे, और जब पानी उबालने लगे तो हम इसमें डालेंगे 4-5 लौंग और 6-7 काली मिर्च, दालचीनी का एक टुकड़ा, बीट रूट पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून, सॉल्ट, शुगर, इन सब चीज़ों को हम 2-3 मिनट बॉईल कर लेंगे। अगर बीट रूट पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश बीट रूट का ही यूज़ कीजिए। वैसे तो नॉर्मली फ्रेश बीट रूट ही यूज़ होता है, लेकिन जब वो नहीं होता है तो हम पाउडर यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसको 2-3 मिनट बॉईल करके फिर ठंडा कर लेंगे, और फिर हम ऑनियन जो को मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं और उसको क्रॉस कट कर लिया है, मिर्च भी है हरी वो भी मैंने क्रॉस कट कर ली है, मतलब 2 टुकड़े में कर लिया है, और जिंजर बारीक टुकड़े कर लिए हैं। इन सबको हम किसी ग्लास जार में डाल देंगे, या किसी बाउल में भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जार यूज़ किया है। इनमें मैं सारी चीज़ें डालने के बाद, ये जो मैंने पानी बॉयल किया था बीट रूट वाला, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और 1 कप सिरका, वाइट विनेगर जो आता है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 12 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे, और इसको हम 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। अगर बीच में आपके ऑनियन ख़त्म हो जाते हैं तो आप फिर से इसमें ऑनियंस डाल लीजिए और ये यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर आज मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।